हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टुडेज़ लेक्चर। इन टुडेज़ लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया पार्ट वन एंड दिस इज द पार्ट टू। सो इन पार्ट वन वी डिस्कस द टू बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। नाउ द थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज वॉट? बेस्ड ऑन द ग्रोथ रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन और एप्लीकेशन। मीन्स हाउ वी क्लासीफाई द कल्चर मीडिया। ओके, सो जस्ट लुक इट हियर। बेस्ड ऑन ग्रोथ, ग्रोथ को हम देख रहे हैं, ग्रोथ की रिक्वायरमेंट क्या है कल्चर मीडिया की, एक ये बेसिस है। देन अदर बेसिस इज वॉट? फंक्शन एंड एप्लीकेशन, फंक्शन एंड एप्लीकेशन। सो वी क्लब थ्री फैक्टर्स एंड डिवाइडेड द क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। ओके, सो दे आर वेरियस कल्चर मीडिया क्लासिफिकेशंस। ओके, सो वॉट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया कम अंडर दिस क्लासिफिकेशन? सो जस्ट लुक एट दिस सिंपल और बेसल मीडिया, और वी कैन से कल्टिवेशन ऑफ मीडिया, दिस इज वन पार्ट। देन एनरिचमेंट मीडिया सेकेंड, एन्यूमरेशन मीडिया थर्ड, डिफरेंशियल मीडिया, एनएरोबिक मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, ऐसे मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, स्टोरेज मीडिया, शुगर मीडिया एंड मेंटेनेंस मीडिया। ओके, सो ये सारे के सारे अलग अलग मीडिया हैं जो कि इस ग्रोथ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और फंक्शन और एप्लीकेशन के बेसिस पर डिवाइड किए गए हैं। तो अभी आप लोग ये सोचे होंगे कि हम इतने सारे मीडिया के नाम कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा। तो आप देखिए हमारी ट्रिक क्या है यहाँ पर, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बट एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए यहाँ पर कि आपका एक बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, डिस्कस द टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। ओके, तो उसमें आपको सारे ही क्लासिफिकेशन डिस्कस करने होंगे। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं मीडिया हैं उनको हम कैसे याद रखेंगे। तो हमारी पंच लाइन क्या है उसको देखिए आप, पंच लाइन क्या है। ओके, पंच लाइन को देखिए। सो जो पंच लाइन है वो है सी, ओके, सी मेन, ओके, एंड डाटा, सी मेन डाटा। ओके, कभी भी कोई भी बात होती है, जैसे कितने स्टूडेंट पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, तो क्या बोला जाता है? सी मेन डाटा। जो टीआर रिपोर्ट आई है तो उस सारी रिपोर्ट्स को देखो, तो रिपोर्ट क्या है? डाटा ही है। हमें कोई भी काम करना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ भी काम करना हो, तो वो क्या देखेगी? दे टेकिंग द डाटा। तो इसी से हम याद रखेंगे, सी मेन डाटा, दिस इज आवर ट्रिक। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? जस्ट लुक एट इट। एस, एस मीन्स सेलेक्टिव मीडिया, एस मीन्स सेलेक्टिव हो गया। ओके, क्लियर। एस मीन्स शुगर हो गया, शुगर मीडिया, क्लियर। और एस मीन फिर आपके पास में क्या हो गया? क्लियर, स्टोरेज मीडिया हो गया। ओके, स्टोरेज मीडिया हो गया। और एस मीन्स अगेन सिंपल मीडिया हो गया। ओके, सो एस मीन्स क्या हो गया? सिंपल मीडिया हो गया, क्लियर। देन ई मीन्स एनरिच मीडिया, ई मीन्स एनरिच मीडिया, क्लियर, एनरिच मीडिया। देन अगेन ई मीन्स एन्यूमरेट मीडिया, एन्यूमरेशन मीडिया, ओके, क्लियर, एन्यूमरेशन मीडिया, क्लियर। देन मेन, मेन फॉर मेंटेनेंस, मेन फॉर मेंटेनेंस मीडिया, क्लियर, मेंटेनेंस मीडिया, क्लियर। एंड देन डी, डी फॉर आपके पास में डिफरेंशियल मीडिया, टी फॉर डिफरेंशियल मीडिया, क्लियर। ए फॉर अगेन एनएरोबिक मीडिया, ए फॉर एनएरोबिक मीडिया, टी फॉर ट्रांसपोर्ट मीडिया, एंड ए फॉर ऐसे मीडिया। ओके, सो यहाँ पर आपके पास में सारे के सारे आप लोगों को नेम लर्न हो जाएंगे इस ट्रिक से। सो वन बाय वन हम इसी लेक्चर में सारे के सारे ही जो अलग अलग मीडिया हैं उनमें क्या कंपोनेंट होते हैं, उनके कितने टाइप होते हैं, उनके क्या यूजेस हैं, वो देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ सिंपल मीडिया, इसी को हम बेसल मीडिया भी बोलते हैं और इसी को कल्टिवेशन मीडिया भी बोलते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो सिंपल और वेसल मीडिया है, व्हाट इट कंटेन? इट कंटेन मिनिमम इंग्रेडिएंट, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या होता है, ये इसके अंदर कम से कम इंग्रेडिएंट होते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
और फर्दर ये क्या काम करता है, इट इज यूज फॉर ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, जो नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ में काम आता है। नाउ दे आर फोर टाइप्स ऑफ दिस सिंपल बेसल और वी कैन से कल्टिवेशन मीडिया, व्हाट आर दोस, पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, देन न्यूट्रिएंट अगार एंड सेमी सॉलिड मीडियम, ये चार इसके टाइप्स हो गए। क्लियर, कौन कौन से, पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार एंड सेमी सॉलिड मीडियम। ओके, सो इसको लर्न कैसे करेंगे आप, यहां फिर हमारी ट्रिक है, दैट इज PNS। ओके, PNS जैसे आपने ANS सुना है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसी तरह से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पी फॉर पेप्टोन वाटर, एन फॉर न्यूट्रिएंट ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट अगार, एंड एस फॉर सेमी सॉलिड मीडियम। इस तरह से आप लोगों को लर्न हो जाएगा। अब देखिए पेप्टोन वाटर के अंदर क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। सो पेप्टोन है और वाटर है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर पेप्टोन, पेप्टोन वाटर नाम दिया है, इसका मतलब पेप्टोन तो होगा इसी और वाटर भी होगा इसी, इसके अलावा और क्या है। सो पेप्टोन इन 1%, ओके, एंड देन वाटर, वाटर भी है बट NaCl और इसमें एडेड है, तो 0.5% NaCl इज ऑल्सो एडेड। नाउ न्यूट्रिएंट ग्रोथ, ओके, सो व्हाट इज न्यूट्रिएंट ग्रोथ, पेप्टोन वाटर मतलब कि ये पेप्टोन वाटर तो होगा ही होगा इसमें, साथ में और क्या एडेड है, मीट एक्सट्रैक्ट इन 1%, ओके, मीट एक्सट्रैक्ट इन 1%। सो न्यूट्रिएंट ग्रोथ के भी थ्री टाइप्स हैं, दे आर थ्री टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट ग्रोथ, मीट एक्सट्रैक्ट, मीट इन्फ्यूजन एंड मीट डाइजेस्ट ग्रोथ। ओके, मीट एक्सट्रैक्ट, मीट इन्फ्यूजन एंड मीट डाइजेस्ट ग्रोथ, क्लियर। देन न्यूट्रिएंट अगार, ओके, सो न्यूट्रिएंट अगार में क्या होगा, सो यहां पर देखिए न्यूट्रिएंट ग्रोथ हमने बना लिया है, अब न्यूट्रिएंट अगार बना रहे, तो न्यूट्रिएंट अगार में क्या होगा, न्यूट्रिएंट ग्रोथ तो होगा ही सही, बेसिकली न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है लिक्विड और न्यूट्रिएंट अगार होता है सॉलिड। ओके, सो न्यूट्रिएंट ग्रोथ के अंदर अगर हम अगार 2% में मिला देंगे, देन इट बिकम्स सॉलिड मीडिया। ओके, देन मूविंग ऑन सेमी सॉलिड मीडियम, ओके, सो सेमी सॉलिड मीडियम कैसे प्रिपेयर हम करते हैं, वी आर प्रिपेयरिंग इट बाय रिड्यूसिंग द अगार कंसंट्रेशन। तो सेमी सॉलिड, क्योंकि न्यूट्रिएंट अगार मैंने आप लोगों को बताया कि ये सॉलिड है, तो यहाँ पर 2% ले रहे हैं, अब यहाँ अगार की कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हैं, 0.2 to 0.5, इसका मतलब हमने अगार की अगर हम कंसंट्रेशन डिक्रीज कर देंगे तो वो सॉलिड से कैसा हो जाएगा, सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी हो जाएगा। याद रखिए मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि कस्टर्ड लाइक जो कंसिस्टेंसी होती है उस तरह की कंसिस्टेंसी आपको मिल जाएगी। नाउ जस्ट लुक एट द व्हाट आर द यूजेस, सो क्या क्या इसके यूजेस हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंपल बेसल मीडिया। ओके, सो यहाँ देखिए क्या क्या यूजेस हैं, टेस्टिंग फॉर नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। ओके, देन इट इज ऑल्सो सर्व एज अ बेसिस, बेस फॉर अदर मीडियम। ओके, लाइक यहाँ अगर हमें एनरिच मीडिया बनाना है या फिर कोई और मीडिया बनाना है, तो सबसे पहले आपको सिंपल मीडिया तो बनाना ही होगा और उसमें फिर कुछ और इंग्रेडिएंट भी इंक्लूड करने होंगे। क्लियर एवरीवन, सो दैट्स व्हाई इट इज सर्व एज अ बेस फॉर अदर मीडियम। क्लियर, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है कि आप लोगों को लेबोरेटरी में सिंपल या बेसल मीडिया या कल्टीवेशन मीडिया तो बनाना आना ही चाहिए, और ये सारे एक्सपेरिमेंट हम लेबोरेटरी में करेंगे। ओके, देन न्यूट्रिएंट ग्रोथ, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यूट्रिएंट ग्रोथ, सो स्टडी द बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व की स्टडी करने के लिए ये काम आता है, रिमेंबर दिस। ओके, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा आप लोगों के लिए। क्लियर, देन न्यूट्रिएंट अगार, न्यूट्रिएंट अगार के क्या यूजेस हैं, ओके, वो देखिए। सो न्यूट्रिएंट अगार किसके लिए यूज आता है, इट इज़ यूज फॉर बायोकेमिकल टेस्ट, इट इज़ यूज फॉर बायोकेमिकल टेस्ट। ओके, सो व्हाट आर दोज बायोकेमिकल टेस्ट, सो लाइक जस्ट लुक एट ऑक्सीडेज टेस्ट, कैटलिस्ट टेस्ट एंड स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। ओके, क्लियर एवरीवन, सो इसको याद कैसे रखोगे, तो COS, क्लियर। सो कंपनीज होती हैं उसमें, उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं COS। ओके, सो इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, जैसे हम सॉस खाते हैं उसी तरह से कॉस आप याद रख सकते हो एक निमोनिक्स की तरह। सो यहाँ तीनों टेस्ट आपके हो जाएंगे लर्न। क्लियर, एज वेल एज व्हाट इज द फर्दर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट अगार,
सो यहाँ देखिए द स्टडी ऑफ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, जो भी बैक्टीरिया का कल्चर होगा उसकी कॉलोनी की मॉर्फोलॉजी हम इससे डिस्कस करेंगे. ओके यहाँ स्टडी करने के लिए ये काम में आएगा. देन पिगमेंट डेमोन्स्ट्रेशन, तो न्यूट्रिएंट अगार इज ऑल्सो यूज फॉर पिगमेंट डेमोन्स्ट्रेशन. क्लियर, अगर पिगमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन करना है जो कल्चर होगा उसमें कौन सा बैक्टीरिया पिगमेंट बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा है, तो उसके लिए भी हमें न्यूट्रिएंट अगार का यूज करना होगा. ओके देन फर्दर द नेक्स्ट मीडिया इज व्हाट, सेमी सॉलिड मीडिया. ओके सो व्हाट इज द यूज ऑफ सेमी सॉलिड मीडिया, सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया. अगर हमें बैक्टीरिया की मोटिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना है पड़ेगा, हमें इसको बनाना पड़ेगा, सेमी सॉलिड मीडिया में हम इसको चेक करेंगे. ओके एंड एज वेल एज मोटाइल बैक्टीरिया स्प्रेड थ्रू आउट द मीडियम. जो सेमी सॉलिड मीडिया होगा तो उसी में हम मोटाइल बैक्टीरिया को स्प्रेड कर सकते हैं चारों तरफ. अगर हम पैट्री डिश लें और उसमें सेमी सॉलिड मीडिया डालें तो उस मीडिया के अंदर अगर हमारे पास में अगर हम बाहर से बैक्टीरिया डालते हैं तो जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे उनको हम थ्रू आउट स्प्रेड कर सकते हैं. और अगर थ्रू आउट स्प्रेड कर देंगे तो मीडिया कैसा हो जाएगा, मीडिया एकदम हैजी. ओके एंड द अनादर वर्क इज मेंटेनिंग द स्टॉक कल्चर, मेंटेनिंग द स्टॉक कल्चर. सो दीज आर द यूजेस एंड बेसिक मटेरियल अबाउट द सिंपल बेसल कल्टिवेशन मीडिया. ओके नाउ आई एम रबिंग दिस सेक्शन सो यू कैन नोट इट डाउन एंड देन फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट द एनरिच मीडिया, एनरिचमेशन मीडिया एंड अदर मीडिया. ओके नाउ जस्ट लुक ऑन एनरिच मीडिया, वॉट इज एनरिच मीडिया, इट्स नेम सजेस्ट दैट इट हैज़ सम एनरिचमेंट. सो वॉट इज द एनरिचमेंट, सो जनरली आप देखिए कि सिंपल मीडिया में बेसिक इन्ग्रीडियंट्स होते हैं, तो यहाँ भी बेसिक इन्ग्रीडियंट्स तो होंगे ही, साथ में एडिशनल न्यूट्रिशन वैल्यू वाले कंपोनेंट्स भी होंगे. ओके एंड वॉट इज द यूज ऑफ इट, सो इट इज हेल्पफुल फॉर फास्टिडियस एंड नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया. ओके सो दोनों के ही ग्रोथ पॉसिबल है इस मीडिया में. ओके जनरली हमने सिंपल मीडिया में देखा था कि नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया के लिए यूजफुल था, बट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ फास्टिडियस बैक्टीरिया. ओके नाउ एनरिच मीडिया हैज अ टू टाइप. ओके सो द फर्स्ट वन अगर आप देखें यहाँ पर तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, एनरिचमेंट अगार. ओके फर्स्ट वन इज एनरिचमेंट अगार एंड द सेकेंड वन इज वॉट, एनरिचमेंट ब्रोथ. ओके तो यहाँ दो बातें समझने वाली है, द फर्स्ट वन इज द एनरिचमेंट अगार जो होगा दैट इज वॉट सॉलिड, इट इज वॉट सॉलिड फॉर्म में होगा, एंड जो एनरिचमेंट ब्रोथ होगा वो किस फॉर्म में होगा, इट इज इन द लिक्विड फॉर्म. ओके सो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द एनरिचमेंट अगार दैट इज सॉलिड फॉर्म, इट हैज अ फोर टाइप. ओके फर्स्ट वन इज ब्लड अगार, सेकेंड वन इज चॉकलेट अगार, थर्ड वन इज लॉफलर्स अगार एंड फोर्थ वन इज ब्लड कल्चर मीडिया. ओके नाउ मूविंग ऑन ब्लड अगार, सो यहाँ देखिए ब्लड अगार में क्या होगा, बेसिक हमारे जो इसकी प्रिपरेशन करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, बेसिक जो है वो मीडिया तो होगा ही सही, साथ में यहाँ पर किसकी जरूरत है, नाम से ही पता पड़ रहा है ब्लड अगार मीन्स इट रिक्वायर्ड ब्लड. ओके सो प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, वी कंटेन 5-10% ऑफ शिप ब्लड. ओके प्लस मोल्टन न्यूट्रिएंट अगार, सो न्यूट्रिएंट अगार यहाँ पर आ गया आप देखिए. ओके बट व्हाट इज द डिग्री, कौन सी डिग्री पर हम इसको यूज करेंगे, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगार को यूज किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके व्हाट इज इट्स यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लड अगार वो ध्यान दीजिए. सो डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी में ये काम आ रहा है, डायग्नोस्टिक बैक्टीरियोलॉजी में ये काम आ रहा है. सो जितने भी हम डायग्नोस्टिक बैक्टीरिया के डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर भी डायग्नोस्टिक में मदद ली जाती है तो वहाँ पर ब्लड अगार को यूज किया जाता है. ओके तो किस तरह से हम डायग्नोस्टिक में इसको यूज करेंगे, टू टेस्ट द हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी. ओके हीमोलाइटिक प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया को भी टेस्ट किया जाता है यहाँ पर. ओके सो दो तरह की चीज़ें हैं, या तो पार्शियल और अल्फा ग्रीन हीमोलाइसिस में यूज किया जाएगा, या फिर कंप्लीट और बीटा हीमोलाइसिस में इसको यूज किया जाएगा. ओके तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी.
ओके नाउ मूविंग ऑन चॉकलेट अगार. सो चॉकलेट अगार का हम प्रिपरेशन देखते हैं और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं कि चॉकलेट अगार के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं. सो अगेन सेम थिंग, 5-10% शिप ब्लड है एंड देन सेम मोल्टेन न्यूट्रिएंट अगार है. बट रिमेंबर हियर व्हाट वी हैव, अगार जो है हमने यहाँ पर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया था, ब्लड अगार में हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया था, बट हियर वी आर टेकिंग इट ऑन 70 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके सो व्हेन वी मेकिंग दिस चॉकलेट अगार देन व्हाट इट डू, ये आरबीसी को लाइज्ड कर देगा इस टेम्परेचर पर. ओके एंड आरबीसी अपना मटेरियल रिलीज कर देगी. जब आरबीसी अपना मटेरियल रिलीज कर देगी तो जो भी हमारे पास मीडिया बना है उसका जो कलर है वो टर्न हो जाएगा, टर्न इनटू द ब्राउन कलर. सो मीडिया का जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा. ओके सो व्हाई वी आर यूजिंग दिस एंड वेयर वी आर यूजिंग दिस, सो क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ में काम आ जाता है. ओके सो हाईली न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसकी एंड देन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, दो स्पेसिफिक बैक्टीरिया है उसको ब्लड अगार में उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. इट ओनली ग्रो इन चॉकलेट अगार. सो यहाँ पर ओनली ग्रो इन चॉकलेट अगार, दैट इज इंपॉर्टेंट. यहाँ पर MCQ आप लोगों के लिए बन सकता है. हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कैन ग्रो इन ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, बोथ एंड नन ऑफ दीज. ओके इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा, तो ये याद रखिएगा आप लोग. देन लॉफलर अगार कंटेन वॉट, सीरम, दैट इज इंपॉर्टेंट. लॉफलर अगार क्या है, सीरम में हम बना रहे हैं एंड इट इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी. ओके तो यहाँ भी दो क्वेश्चन बन जाते हैं, लॉफलर अगार जो है बेसिकली ब्लड में बना रहे हैं या सीरम में बना रहे हैं, और दूसरा जो है किसके आइसोलेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी का जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेशन करने के लिए कौन सा हम अगार और कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है. ओके देन ब्लड कल्चर मीडिया अगेन डिवाइडेड इंटू टू टाइप, मोनोफेजिक और बाईफेजिक. सो इन मोनोफेजिक वॉट इट कंटेन ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ. ओके इट कंटेन वॉट, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ एंड बाईफेजिक इज ए लिक्विड फेज. ओके सो इट कंटेन ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ प्लस सॉलिड अगार. सो दो फेज हो गई यहाँ पर, यहाँ केवल वन मोनोफेजिक मतलब एक ही फेज थी, यहाँ दो फेज है. तो एक तो ये ब्रोथ हो गया लिक्विड फेज BHI ब्रोथ प्लस सॉलिड अगार स्लोप. ओके सॉलिड अगार स्लोप किससे बनाया जाएगा, BHI अगार से बनाया जाएगा. BHI मीन्स ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ. ओके सो दिस इज अबाउट द एनरिचमेंट अगार. नाउ मूविंग ऑन एनरिचमेंट ब्रोथ. ओके सो इट इज वॉट, अ लिक्विड फॉर्मुलेशन. सो लिक्विड मीडियम विथ सम इनहिबिटरी एजेंट्स. ओके तो यहाँ पर कुछ इनहिबिटरी एजेंट्स हम यूज कर रहे हैं. ओके व्हाई वी आर यूजिंग इनहिबिटरी एजेंट, फॉर द ग्रोथ ऑफ सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म. क्योंकि यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवा रहे हैं, रेस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे. सो दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ इनहिबिटरी एजेंट्स को भी इंक्लूड किया जा रहा है. ओके क्या पर्पज में काम आता है ये, सो आइसोलेशन ऑफ क्लिनिकल स्पेसिमेन. ओके जैसे सपोज करो किसी का टीथ का स्पेसिमेन लिया. ओके या फिर किसी का स्टूल का स्पेसिमेन लिया, या और किसका स्पेसिमेन लिया, स्पूटम का स्पेसिमेन लिया. तो वहाँ पर साल्मोनेला, शैजीला, इस तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, या विब्रियो कोलेरा हो सकता है. तो स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को आइसोलेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ओके सो दे आर सम एग्जाम्पल्स. ओके कौन कौन से एग्जाम्पल है वो आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पर्पज से. ओके सो द फर्स्ट वन इज टेट्राथायोनेट ब्रूट. इट इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला टाइफी. सो इसको याद रखिए, साल्मोनेला के लिए एस से पहले क्या आता है, TPQRST. ओके एस के बाद क्या आ रहा है, टी. तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो, टेट्राथायोनेट ब्रोथ, उसमें क्या आएगा, साल्मोनेला टाइफी. ओके देन ग्राम नेगेटिव ब्रोथ. सो ग्राम नेगेटिव ब्रोथ इज यूजफुल टू आइसोलेट शाइजेला. ओके दिस इज अनदर बैक्टीरिया.
एंड सेलेनाइट एफ ब्रोथ इट इज ऑल्सो यूज टू आइसोलेट शाइजेला. सो शाइजेला को दो तरह के हम ब्रोथ से आइसोलेट कर सकते हैं. कौन कौन से ब्रोथ हो गए? सो ग्राम नेगेटिव ब्रोथ एंड सेलेनाइट एफ ब्रोथ. तो यहाँ एमसीक्यू बन सकता है, शाइजेला कैन आइसोलेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर मीडिया. तो ऑप्शन आपके पास में आ सकते हैं, ग्राम नेगेटिव ब्रोथ, सेलेनाइट एफ ब्रोथ, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज. ओके, देन एल्कलाइन प्रोटीन वाटर ब्रोथ. एल्कलाइन प्रोटीन वाटर ब्रोथ, सो इट इज यूज टू आइसोलेट विब्रियो कोलेरा. इट इज यूज टू आइसोलेट विब्रियो कोलेरा. ओके एवरीवन, सो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए. ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एन्यूमरेशन मीडिया एंड डिफरेंशियल मीडिया. नाउ जस्ट लुक ऑन एन्यूमरेशन मीडिया. ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ एन्यूमरेशन मीडिया? एन्यूमरेशन मीडिया इज बेसिकली यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन मिल्क, वाटर एंड फूड. ओके, एज वेल एज फॉर इट इज ऑल्सो यूज फॉर इंडस्ट्री पर्पज. ओके, इन इंडस्ट्रीज ऑफ मिल्क, वाटर एंड फूड वी आर यूजिंग वॉट? एन्यूमरेशन मीडिया. क्लियर एवरीवन? नाउ मूविंग ऑन डिफरेंशियल मीडिया. तो यहाँ पर समझिए कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि क्या है डिफरेंशियल मीडिया. ओके, सो डिफरेंशियल मीडिया क्या है? इट यूज टू डिफरेंशिएट टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया. मतलब दो अलग अलग ग्रुप के बैक्टीरिया को ये डिफरेंशिएट करने के काम आता है. तो लेबोरेटरी पर्पज से और क्लिनिक फाइंडिंग के पर्पज से एज वेल एज क्लिनिकल डायग्नोस्टिक के पर्पज से काफ़ी यूजफुल है डिफरेंशियल मीडिया. ओके, सो इट इज़ यूज फॉर डिफरेंशिएट टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया. तो यहाँ टू ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया को किस तरह से हम डिफरेंशिएट करेंगे? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बेसिकली यहाँ पर इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है. किसका यूज़ करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं. और आप जब भी जानते हैं टाइटेशन में हम अगर इंडिकेटर का यूज़ करते हैं तो कलर चेंज होता है. तो सिमिलरली यहाँ भी अगर इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा? कलर चेंज होगा. ओके, तो दो ग्रुप लिए तो एक ग्रुप का बैक्टीरिया का कलर चेंज हो जाएगा और दूसरे ग्रुप के बैक्टीरिया का कलर चेंज नहीं होगा. ओके, आपको यहाँ बात समझ में आ जानी चाहिए. क्लियर? तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया का कलर चेंज हो जाएगा और दूसरे बैक्टीरिया का कलर चेंज नहीं होगा. सो दो तरह के यहाँ पर मीडिया को मैं डिफाइन कर रहा हूँ. फर्स्ट वन इज मैकॉन की अगार एंड सेकेंड वन इज क्लैड अगार. ओके, सो फर्स्ट हम मैकॉन की अगार के बारे में समझते हैं. व्हाट इज मैकॉन की अगार? सो इट इज लो सेलेक्टिव. यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी सेलेक्टिवनेस जो है वो थोड़ी सी लो है. एंड किसके लिए यूज हो रहा है? इट इज यूज फॉर एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. इट इज यूज फॉर एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके, सो यहाँ इंपॉर्टेंस रखता है आपका कि यहाँ क्वेश्चन बनता है मैकॉन की अगार इज यूज टू डिफरेंशिएट विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ओके, क्लियर? सो आई कैन एंटेरिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे आप ध्यान दीजिएगा. ओके, एंड डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म इनटू लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर. तो किस तरह से डिफरेंशिएट करेगा ये? कुछ बैक्टीरिया जो होंगे वो लैक्टोज फर्मेंटर होंगे और कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि नॉन लैक्टोज फर्मेंटर होंगे. ओके, सो यहाँ पर देखिए लैक्टोज फर्मेंटर को कैसे आइडेंटिफाई करेगा मैकॉन की अगार. तो यहाँ क्या करेंगे, बैक्टीरिया लेंगे और मैकॉन की अगार को उसमें पुट किया जाएगा. ओके, मतलब मीडिया बनाकर पुट किया जाएगा. तो यहाँ क्या होगा, अगर आप जो लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया होंगे वो इसमें क्या करेंगे, पिंक कलर प्रोड्यूस करेंगे. वो क्या करेंगे, पिंक कलर प्रोड्यूस करेंगे. तो इसका एग्जांपल हमारा क्या है, ई कोलाई. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इट? ई कोलाई. ओके, देन मूविंग ऑन, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया. ओके, सो व्हाट दे डू, नॉन लैक्टोज फर्मेंटर बैक्टीरिया ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये कलर ही प्रोड्यूस नहीं करते. ओके, कलरलेस कॉलोनी करते हैं. तो यहाँ एग्जांपल क्या है, शाइजेला. ओके, व्हाट इज एग्जांपल ऑफ इट? शाइजेला. अब यहाँ ध्यान दीजिए मैकॉन की अगार का क्या कंपोजिशन है. व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ मैकॉन की अगार? ओके, सो पेप्टोन होता है प्लस लैक्टोज प्लस अगार प्लस न्यूट्रल रेड इंडिकेटर्स यूज किया जाता है एज वेल एज टोरोकोलेट को भी यूज किया जाता है. तो इन्हीं की डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है वो ली जाती है एंड मैकॉन की अगार प्रिपेयर किया जाता है. कभी कभी बहुत ही छोटा क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आता है. यहाँ पर एमसीक्यू में 3 तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे. पहला एंट्री ग्राम नेगेटिव पर बन जाएगा. ओके, देन यहाँ एग्जाम्पल है
लैक्टोज फर्मेंटर कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं, पिंक कलर प्रोड्यूस करते हैं, और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर कलरलेस होते हैं, और यहाँ एग्जांपल क्या है, शाही जेला, एंड कंपोजिशन आप याद रखिएगा, ओके okay? तो ये इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन क्लैड अगार, ओके, सो क्लैड अगार क्या है बेसिकली, यहाँ पर इसका जो फुल नेम है वो क्या है, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशियंट अगार, सिस्टीन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डेफिशियंट अगार, सो सी फॉर सिस्टीन हो गया, एल फॉर लैक्टोज हो गया, और ई डी मतलब इलेक्ट्रोलाइट डेफिशियंट अगार हो गया, ओके। सो वट इज द यूज, इट इज द सिमिलरली यूज एज मैकॉनकी अगार, बट वॉट इज द बेनिफिट ऑफ इट, ओके। सो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, जो कि मैकॉनकी अगार करता था, ओके, बट कहाँ यूज़ होगा, पर्टिकुलरली हम यूरिन सैंपल्स में इसको यूज़ करेंगे, पर्टिकुलरली कहाँ यूज़ करेंगे, वी आर यूजिंग इट इन यूरिन सैंपल। तो आप ध्यान दीजिए, यूरिन सैंपल के लिए जब भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा, क्लैड अगार, ओके, आपका आंसर क्या होगा, क्लैड अगार। अब यहाँ देखिए इसका एडवांटेज क्या है मैकॉनकी अगार पर, वट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लैड अगार ओवर मैकॉनकी अगार, सो लेस इनिबिटरी देन मैकॉनकी अगार, ओके, ये लेस इनिबिटरी है मैकॉनकी अगार से, एज वेल एज इट ऑल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओके, यहाँ मैकॉनकी अगार ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा था, जबकि क्लैड जो है इट इज सपोर्टिंग द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्रोथ, ओके। सो एक्सेप्ट बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और कैंडिडा को छोड़कर बाकी और सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए ये ग्रोथ में सपोर्ट करता है, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लैड। एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज ओवर ब्लड अगार, ब्लड अगार के ऊपर इसका क्या एडवांटेज है, तो वो आप देखिए, इट प्रिवेंट स्वार्मिंग ऑफ प्रोटीएस, ये प्रोटीएस की स्वार्मिंग को रोकता है, ओके। सो दिस इज अबाउट डिफरेंशियल मीडिया, ओके, डिफरेंशियल मीडिया। नाउ मूविंग ऑन एनएरोबिक मीडिया, नाउ मूविंग ऑन व्हाट, एनएरोबिक मीडिया, क्लियर एवरीवन? सो एनएरोबिक मीडिया क्या है, यहाँ देखिए आप, मींस ये कहाँ पर यूज आएगा, केवल उन्हीं बैक्टीरिया की ग्रोथ करने में यूज आएगा जो बैक्टीरिया एनएरोबिक है, पर्टिकुलरली एनएरोबिक ही है, ओके। सो एनएरोबिक कौन से होंगे, ऑब्लिगेट एनएरोब, कौन से होंगे, ऑब्लिगेट एनएरोब, जो कि एनएरोबिक ही होते हैं, अगर O2 उनको मिलेगी तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ओके। सो कंटेन रिड्यूसिंग सब्सटेंस विच टेक अप ऑक्सीजन, यहाँ पर ऐसा सब्सटेंस इन एरोबिक एनएरोबिक मीडिया में होगा जो कि उस मीडिया से क्या ले लेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा और लो रिडॉक्स पोटेंशियल कर देगा उसका, उसका प्रोड्यूस कैसा प्रोड्यूस करेगा, रिडॉक्स पोटेंशियल को लो कर देगा, तो इसका मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन की बिल्कुल ही कमी हो जाएगी, तो अगर ऑक्सीजन की बिल्कुल ही कमी हो जाएगी इन दैट केस ऑब्लिगेट एरोब कैन ग्रो, ऑब्लिगेट एरोब कैन ग्रो, सो ऑब्लिगेट एरोब बैक्टीरिया कैन ग्रो, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लॉस्ट्रिडियम इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, क्लियर एवरीवन? नाउ दे आर सम एग्जाम्पल ऑफ दिस एनएरोबिक मीडिया, सो व्हाट आर दोस, सो फर्स्ट वन इज रॉबर्टसन कुक्ड मीट, ओके, एंड दे आर सम मोर अदर मीडियाज, ओके, उनकी भी हम डिस्कशन करेंगे। सो रॉबर्टसन कुक्ड मीट, रॉबर्टसन कुक मीट को अगर आप देखें तो ये क्या इसके अंदर होता है, इसके अंदर बीफ हार्ट होता है, सो यहाँ पर सॉरी प्लीज करेक्ट द स्पेलिंग, ओके, सो बीफ हार्ट होता है, तो यहाँ पर बीफ हार्ट की छोटी छोटी पार्टिकल्स कर लिया जाए, इसको चॉप्ड कर लिया जाता है, पर्टिकुलरली बीफ हार्ट कंटेनिंग ग्लूटाथियोन, ओके, एंड इन ग्लूटाथियोन देर इज अ सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, व्हाट काइंड ऑफ ग्रुप, सल्फाहाइड्रिल ग्रुप, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, तो सल्फाहाइड्रिल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और ये सल्फाहाइड्रोक्सिल ग्रुप ही जो है वो क्या करता है, रिड्यूसिंग कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, इसी वजह से जो है ऑक्सीजन को टेकअप कर लिया जाता है, ओके, एज वेल एज रॉबर्टसन कुक्ड मीट के अंदर और क्या होता है, इट ऑल्सो कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, इट ऑल्सो कंटेन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ओके। सो वट इज द यूज ऑफ इट, वी आर यूजिंग इट फॉर स्टॉक कल्चर एज वेल एज दिस रॉबर्टसन कुक्ड मीट इज पर्टिकुलरली वाइडली यूज इन लेबोरेटरी एज वेल एज डायग्नोस्टिक पर्पज एज वेल एज रिसर्च पर्पज, दैट्स वाई आई डिस्क्राइब मोर मैटर अबाउट दिस रॉबर्टसन कुक्ड मीट, ओके। नाउ द अदर मीडिया, इनको मैंने ज़्यादा आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया, केवल नेम इनका नोट कर लीजिए वो कौन कौन सा है,
थायोग्लाइकोलेट ग्रोथ है, द अनदर वन इज एनएरोबिक ब्लड ग्रोथ, देन BHIS, ओके BHIS अगर जो कि मैंने आपको बताया ही था अभी, ब्रेन हार्ट इंक्यूबेशन, ओके सो विद विटामिन के, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें विटामिन के भी इंक्लूड होगा, ओके देन नियोमाइसिन ब्लड अगार, ओके नियोमाइसिन ब्लड अगार, एग योग अगार एंड फिनाइल इथाइल अगार, फिनाइल इथाइल अगार एंड द लास्ट वन इज बैक्टीरियोइड्स बाइल एस्कुलिन अगार, बैक्टीरियोइल बाइल एस्कुलिन अगार BBE, ओके सो आई एम स्टूपिंग हियर एंड रेस्ट ऑफ द मीडिया आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्लियर एवरीवन। सो यहाँ मैंने आप लोगों के साथ में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख लिखें, और अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड से, और अपने जो पैरेलल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो भी माइक्रोबायोलॉजी में थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में आप शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार।